फ्रेंड्स, मैं तुषार फ्रॉम मोटोटेक एक्सपर्ट और आज हम करने वाले हैं 2015 ऑडी Q7 का वॉक अराउंड। इसके फ्रंट से शुरुआत करते हैं। फ्रंट में आपको सबसे पहले देखने को मिलता है ऑडी की सिग्नेचर ग्रिल क्रोम सराउंडिंग्स के साथ। बीच में आपको मिलता है ऑडी का सिग्नेचर लोगो। यहाँ पर आपको मिलते हैं LED DRLs, टर्न इंडिकेटर्स एंड फॉग लैंप्स, हेडलैम्प वॉशर, लेन चेंज इंडिकेटर। ये आपको एक लेन से अलग नहीं होने देते जब तक आप ना चाहें। और अगर वाइपर्स की बात की जाए तो इसमें आपको मिलते हैं फ्लैट वाइपर्स जो देखने में काफ़ी प्रीमियम लगते हैं, और इसमें आपको मिलते हैं रेंज सेंसिंग वाइपर्स एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स। तो चलिए इसके साइड में चलते हैं, आपको क्या कुछ मिलता है। साइड में जाते ही आप सबसे पहले देखते हैं इस कार की जो लेंथ है वो 5 मीटर से भी ज़्यादा है, और इसके जो डोर हैंडल हैं उस पर आप देखेंगे तो आपको क्रोम एलिमेंट मिलता है जो देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। और इस पर टर्न इंडिकेटर्स आपको ORVMs पे मिलते हैं, और पूरी विंडो लाइन के ऊपर आपको एक क्रोम बीडिंग देखने को मिलती है। आपको आपको सारे डोर्स और फ्रंट डैशबोर्ड के ऊपर भी वुडन फिनिश देखने को मिलती है। तो चलिए रेयर डोर को देख लेते हैं एक बार। रेयर डोर पे आपको मिलते हैं 1 लीटर बोटल होल्डर्स विद मैगजीन होल्डर, फ्रंट ट्वीटर्स, स्पीकर्स, और आपको पीछे भी ट्वीटर्स एंड स्पीकर्स मिलते हैं, पावर विंडो कंट्रोल्स।
पॉकेट। इस कार की वीट अच्छी खासी, इसलिए इसमें तीन लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। बीच में आपको मिलता है आर्मरेस्ट फॉर लॉन्ग जर्नीज, और अगर आप देखें तो इसमें आपको मिलते हैं तीनों के तीनों एडजस्टेबल आर्मरेस्ट। इसमें हेडरूम की भी कोई कमी नहीं है, और लेग रूम तो इसमें लाजवाब है। इसकी सीट्स को आप आगे पीछे करने के साथ साथ रेकलाइन भी एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली, जैसा कि आप आगे वाली सीट्स में इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं, वैसा आपको इसमें नहीं मिलता। साथ ही साथ इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको 9 एयरबैग्स मिलते हैं, जो कि एक्सीलेंट सेफ्टी प्रोवाइड करवाते हैं ड्यूरिंग एक्सीडेंट। आपको इसमें चारों पिलर्स पे एयरबैग मिलते हैं, साथ ही साथ फ्रंट, रेयर एंड मिडिल कैबिन में भी आपको देखने को मिलते हैं एयरबैग्स। तो चलिए चलते हैं सबसे पीछे वाले कैबिन के अंदर। यहाँ पर आपको स्पेस बिल्कुल भी नहीं मिलती, हालांकि ये बहुत लंबी और चौड़ी कार है, ना कि आपको इसमें अच्छा खासा हेडरूम मिलता है, हालांकि विड्थ अच्छी खासी है। इसमें आपको मिलते हैं बॉटल होल्डर्स एंड एसी वेंट्स दोनों तरफ। इसमें सबसे पीछे भी आपको देखने को मिलते हैं एयरबैग्स एज वेल एज 3-point सीट बेल्ट्स। इसके हेडरेस्ट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, एज वेल एज आप फोल्ड भी कर सकते हैं इनको। तो चलिए बूट में देखते हैं आपको क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको मिलती है वन टच इलेक्ट्रिकली ओपनिंग बूट। इसमें 7 पैसेंजर्स के बैठने के बाद भी आपको अच्छी खासी बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। आपको दोनों तरफ लगेज लैंप देखने को मिल जाता है नाइट में कन्वीनियंस के लिए। नीचे भी आपको अच्छी खासी स्टोरेज देखने को मिलती है, साथ ही साथ पीछे भी आपको इसमें कर्टेन देखने को मिलता है, जैसा कि आपको मिडल सीट्स पे देखने को मिलता था, जो कि गर्मियों के टाइम पे काफ़ी अच्छा यूज़फुल है। यहाँ पर आपको मिलती है एमरजेंसी एग्जिट रेयर बूट के ऊपर, जिसको निकाल के आप एक्सेस करके बाहर आ सकते हैं अगर आपके डोर्स जैम है तो। और अगर आपको इसको क्लोज़ करना है तो उसके लिए भी आपको सिर्फ एक बटन मिलता है, जिससे आप इसको एडजस्ट या फिर ओपन और साथ ही साथ क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके इंजन की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है 3 TDI डीजल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।